किसान आंदोलन जहां एक ओर भाजपा सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है, तो वहीं किसान आंदोलन को मिल रहा व्यापक राजनीतिक समर्थन सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहा है। किसानों की मांगों के समर्थन में हरदोई जिले में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू पटेल के नेतृत्व में बाइक रैली पार्टी कार्यालय से निकाली गई। पार्टी कार्यालय से निकाली गई रैली में सपा जिलाध्यक्ष व पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू पटेल व पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर कार्यालय से बाहर सड़क पर आ गए। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद होने के बाद भी किसानों के समर्थन का जुनून सपा नेताओं पर इस कदर हावी था कि सपा नेताओं ने पुलिस के द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ डाला। बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद सपा जिलाध्यक्ष जीतू वर्मा पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने जब सपा नेताओं को रोकने की कोशिश की तो सपा नेताओं की पुलिस से धक्का मुक्की हो गई। सपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में रैली निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सपा जिलाध्यक्ष जीतू वर्मा पटेल को सहित 38 वरिष्ठ सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई में सपा जिलाध्यक्ष जीतू वर्मा का हाथ बट गया और कई नेता घायल भी हो गए। द्वारा काला कृषि कानून जो लागू किया गया है पूरे देश में, आज उससे किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, करोड़ों किसान सड़कों पर है, फिर भी ये सद्दाम हुसैन और अंग्रेजी हुकूमत की सोच वाली सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। ऐसे समय में विपक्ष को किसानों के सुख दुख में खड़ा होना आवश्यक था। इसी क्रम में हम लोग समाजवादी पार्टी हरदोई जनपद के सभी नेता कार्यकर्ता आज कार्यालय से हम लोग निकल रहे थे किसानों के समर्थन में मोटरसाइकिल और पदयात्रा करने को लेकर, लेकिन इन पुलिस कर्मियों ने प्रशासन के इशारे पर हमें रोकने की कोशिश की। धक्का मुक्की हुई, बैरिकेड्स हम लोग गिराए, हमारे हाथ में चोट भी लग गई, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लाठी फटकार के भगा दिया गया और हमको जबरन खींच कर गाड़ी में बैठा के आज अरेस्ट करके पुलिस लाइन हमारे कार्यकर्ताओं हमारे उपाध्यक्षों हमारे पार्टी के सीनियर नेताओं को यहाँ लाया गया। बड़े ही शर्म की बात है कि प्रशासन सरकार के इशारे पर विपक्ष की आवाज़ को दबा देना चाहता है। जो विपक्ष की आवाज़ किसानों के हक में उठ रही है उस आवाज़ को दबा देना चाहता है। कितनी आवाज़ दबाएंगे योगी और मोदी जी, एक आवाज़ दबाएंगे करोड़ों आवाजें निकलेंगी किसानों के समर्थन में। आज सबसे देश की बड़ी मांग, सबसे बड़ी प्रायोरिटी किसान है। इसमें मेरे घायल हो गया, मेरे हाथ में भी चोट लग गई, बहुत खून भी निकला, लेकिन पुलिस मोदी योगी के इशारे पर नहीं देख रही थी हम लोग किसानों के हित में काम कर रहे हैं, हम लोग किसानों के समर्थन में काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बंगले को लखनऊ में घेर लिया गया था पुलिस के द्वारा, माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर ही पूरे प्रदेश में किसान के समर्थन में हम लोग निकले। आज हमारे नेता को नजरबंद कर दिया गया। किसानों के पुत्र हैं माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय नेता जी के पुत्र हैं। आज किसानों के हक में वो संसद तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, सड़क से संसद तक, लेकिन उनको नजरबंद करके ये योगी मोदी सरकार ने बहुत निंदनीय काम किया है। किसानों के हक में जितना हम लोग बोलेंगे, जितना हमारी आवाज़ आप दबाने की कोशिश करोगे, उतनी तेज समाजवादियों की आवाज़ निकलेगी। डॉक्टर राजपाल कश्यप की गिरफ्तारी कर ली, हमारे MLC की गिरफ्तारी कर ली, निंदनीय है। राजपाल कश्यप भी पार्टी के नेता, बताओ क्या वो किसानों के हक की बात नहीं कर सकते? उनकी गिरफ्तारी की समाजवादी पार्टी हरदोई जनपद निंदा करता है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की गिरफ्तारी की हम लोग कड़ी निंदा करते हैं।